हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है हमारे सी टेक चैनल में। आज मैं आप लोग के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें आप लोग को बताऊंगा डॉटेड टाइपिंग के ऊपर। फ्रेंड्स, आप कहीं देखे होंगे कि किसी तरह का कोई बुक्स वगैरह होता है या फिर छोटी क्लासों का बुक्स होता है, उस पर डॉट डॉट करके लिखा रहता है, वो किस तरह से टाइप किया जाता है, किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखा जाता है या फिर टाइप किया जाता है। इस वीडियो में आपको दो तरीके बताऊंगा डॉटेड वर्ड टाइप करने के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगेगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टार्ट बटन पर जाते हैं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं। फ्रेंड्स, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो गया है, तो यहाँ पर चलते हैं इंसर्ट पर और देखिए यहाँ पर है वर्ड आर्ट। यहाँ पर जब आप देखिएगा तो इस तरह से कुछ डिजाइन शो करेगा, लेकिन हमें सिंपल डिजाइन चाहिए तो इसके लिए हमें फाइल पर चलना है, सेव एज, और यहाँ पर जाकर वर्ड 97 पे क्लिक करके उसे सेव कर दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद में इंसर्ट पर जाकर देखिए वर्ड आर्ट पर, तो कुछ इस तरह से आपको डिजाइन शो करने लगेगा। तो इस पर क्लिक करके पहले वाले पे वर्ड आर्ट स्टाइल 1 पे, और यहाँ से आप जो कुछ भी टाइप करना चाहते हैं, मैं आपको एग्जांपल या फिर सैंपल दिखा रहा हूँ, अब इसको मैं यहाँ से ओके करता हूँ तो इस तरह से आ गया। और यहाँ से टेक्स्ट रैपिंग पे जाकर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, और इसको जितना साइज आप बड़ा करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, इसका जो शेप है और लाइनिंग जितना मोटा करना चाहते हैं आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब आ रहा है कि डॉटेड की डॉटेड कैसे करना है, तो इसमें आपको शायद पता है आउटलाइनिंग पर जाकर इस तरह से जाकर यहाँ से आप डॉट डॉट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा आपको डॉट रखना है आप उस तरह का डॉट रख सकते हैं। तो देखिए ये एक पहला तरीका हो गया कि इस तरह से आप टाइप कर सकते हैं या फिर लिख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉटेड। इस वीडियो के लिए किसी ने हमें कमेंट किया था तो उन्हीं के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। और चलिए अब हम आपको बताते हैं दूसरा तरीका जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अब सीधे हम यहाँ से लिखते हैं, टाइप करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी टाइप कर लेता हूँ, जैसे कि ए बी सी डी ई लिख लिया, और यहाँ से इसका साइज मैं फुल ले लेता हूँ, बड़ा तो और भी साइज ले लेता हूँ, साइज बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ से बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको सिलेक्ट करके और आप यहाँ पर देखिए स्टाइल, इसमें क्लिक करके आप यहाँ फॉन्ट इसमें सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपके पास डॉटेड फॉन्ट है आप उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। मेरे पास देखिए एक फॉन्ट है डॉटेड का, मैं इसको सेलेक्ट कर लिया और इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। तो ए इसमें आपको सबसे बेहतर तरीका आप इसमें यही है, आप इसमें सेलेक्ट करके फॉन्ट और जितना भी चाहें तो आप टाइप कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं, ये डॉट लिखाता जाएगा डॉटेड में, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आपको जितना भी टाइप करना है आप कर सकते हैं। इसमें कई तरह के फॉन्ट आते हैं, आपको फॉन्ट इंस्टॉल करने होते हैं अपने सिस्टम में। तो यहाँ पर देखिए इसमें बहुत सारे मेरे पास अलग अलग डिज़ाइन के डॉटेड फॉन्ट है, और यहाँ भी दिखाता हूँ, देखिए इस तरह का भी है, और यहाँ से चेंज करता जाऊँगा अलग अलग अपना, देखिए नीचे से फीका ऊपर से डार्क, तो अलग अलग तरीके के हैं। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि फॉन्ट को किस तरह से इंस्टॉल करना है और कहाँ से आपको ये डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले चलते हैं, इसको हम यहाँ से बंद कर देते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, और देखिए मैं डेस्कटॉप के ऊपर फॉन्ट का एक फोल्डर है, इसको मैं यहाँ से ओपन करता हूँ और ये सारे के सारे फॉन्ट मैंने डाउनलोड किए थे। क्या करना है, इसको इसको सेलेक्ट करके और राइट क्लिक करके बस इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है, ये सारे के सारे इंस्टॉल हो जाएंगे। मेरे पास ऑलरेडी देखिए ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए यहाँ पर यस आ रहा था, मैं यहाँ से यस कर देता हूँ रिप्लेस के लिए, तो यहाँ पर फिर से इंस्टॉल हो गया। और आपके पास इंस्टॉल नहीं होगा इस सिस्टम में तो आपके पास सीधे डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाएगा। अब इसे डाउनलोड कैसे करना है, तो चलिए यहाँ से आपको अपने क्रोम पे ले चलता हूँ, गूगल ओपन कर लेते हैं। फिर से यहाँ पर टाइप करते हैं डॉटेड फॉन्ट और यहाँ पर सर्च कर लेते हैं, साथ में डाउनलोड आपको लिखना होगा तो डाउनलोड भी साथ में लिख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर बथेरे बहुत सारे ऑप्शन आ गए, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ डॉटेड फॉन्ट। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से आपके पास वेबसाइट आ जाएगा सामने, तो यहाँ पर देखिए डॉटेड का जो भी स्टाइल आपको पसंद होगा, जैसे मुझे ये पसंद है मान लीजिए या फिर ये पसंद है, तो यहाँ पर बस डाउनलोड पर क्लिक कीजिए आपके सामने डाउनलोड होने लग जाएगा। देखिए यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है। फ्रेंड्स ये जो फाइल डाउनलोड होगा ये विनर आर के फाइल में वाइंड रहता है, तो इसलिए इसको यहाँ से क्लिक करते हैं, शो फोल्डर पर जाते हैं और इसको F2 पर देखते हैं कहाँ पर ये है, ये फाइल को ओपन करते हैं, यही फाइल डाउनलोड हुआ, और इस तरह से इसको सेलेक्ट करके यह फाइल फ्रेंड्स तभी ओपन होगा जब आपके सिस्टम के अंदर विनर आर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, या फिर जिप फाइल नॉर्मल भी कभी कभी ओपन हो जाता है, तो यहाँ से सेलेक्ट करके इस तरह से एक्स्ट्रा टू पे क्लिक करना है और डेस्कटॉप पे जाकर इसको ओके कर लेते हैं और इसे क्लोज करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर मैंने देखिए यहाँ पर ये जो फॉन्ट था एक और ये दोनों फॉन्ट आ गया, बस इसे हमें इसी तरह से सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। पहले से इंस्टॉल है इसलिए यह रिप्लेस का ऑप्शन था, हम रिप्लेस कर देते हैं, यस दोनों फाइल फॉन्ट रिप्लेस हो गया। अब चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे,
अब बस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो भी आपको टाइप करना है बस आप यहाँ से स्टाइल से आप फॉन्ट को सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद में टाइप करना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ से साफ क्लियर दिखाई नहीं रहा है, यहाँ पे कर लिए और जो भी आपको साइज़ वगैरह रखना है साइज रख कर इस तरह से टाइप करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए शो करने लग गया, थोड़ा सा बोल्ड किया मैं। फ्रेंड्स तो बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।